is for prayer. Tameva mata cha pita tameva tameva bandhu cha sakha tameva tameva vidya dravinam tameva tameva sarvam mama deva deva tameva sarvam mama deva deva. Open your eyes. Take out your EVS textbook, page number 14. Today I will explain you chapter number 3, our sense organs. Our sense organs means hota hai hamari indriya, ganendriya bhi bolte hai, okay, unke ang. Let's start. Our body has 5 special parts. Hamare sharir mein 5 special अंग है, स्पेशल मतलब कि विशेष पार्ट है, ओके. दे हेल्प अस टू सेंस द थिंग्स अराउंड अस. वे हमें अपने आसपास की चीजों को समझने में मदद करते हैं. क्या करते हैं? हेल्प करते हैं वो हमें. सेंस जो होते हैं हमारे, वो अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास की जो चीजें होती है थिंग्स, उसको समझने में हमारी मदद करते हैं. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. इन भागों को इंद्रियों के अंग कहा जाता है. ये जो पार्ट होते हैं उसे हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, ओके. दे आर आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन. वे कौन से हैं? तो वे आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा है, ओके. आईज हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. आईज यानी कि आंखें. देखो ये गर्ल दिख रही है, ये क्या कर रही है? टीवी देख रही है ना, तो किससे देख रही होगी? अपनी आंख से देख रही होगी ना. तो क्या होगा इसमें कि आंखें हमें अपने आसपास की चीजों को देखने में मदद करती है. जो आईज होती है वो हमारी क्या करती है? थिंग्स अराउंड अस यानी हमारे आसपास जो चीजें होती है उसे देखने में हमारी हेल्प करती है, ओके. सी मीन्स होता है देखना, ओके. ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड. देखो अभी ये गर्ल दिख रही है, ये कहाँ खड़ी है? ये रेडियो के पास खड़ी है ना, ये टेप जहां से सॉन्ग आ रहा है. देखो ये सॉन्ग का सिंबल है, सॉन्ग आ रहा है, तो वो क्या कर रही है? गाने सुन रही है ना. तो गाने सुनने में उसकी हेल्प कौन कर रहा है? कान, ईयर, है ना. तो ईयर क्या करता है? ईयर्स हेल्प अस टू हियर यानी कि जो कान होते वो हमें सुनने में, अलग अलग आवाज सुनने में मदद करते हैं. डिफरेंट यानी कि अलग अलग टाइप्स ऑफ साउंड यानी कि विभिन्न तरीकों के आवाज. हियर यानी कि सुनना, हियर मीन्स होता है सुनना. और कौन करता है वो काम? ईयर. तो कान हमें अलग अलग विभिन्न प्रकार की ध्वनि सुनने में मदद करते हैं. नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट फ्रेग्रेंस. जो नोज होती है, देखो ये गर्ल है ना, ये क्या कर रही है? ये जो इसके हाथ में जो फ्लावर है, रोज है, वो क्या कर रही है? वो ऐसे नाक से सूंघ रही है ना. तो इसका जो स्मेल होता है, फ्रेग्रेंस होती है इसकी, है ना, वो क्या, उसको सूंघने का काम कौन करता है? स्मेल लेने का काम नोज करता है हमारा. तो नोज क्या करता है? तो जो नाक होती है, नोज यानी नाक, स्मेल यानी कि सूंघना. तो जो हमारी नाक होती है वो हमें विभिन्न सुगंधों को सूंघने में मदद करती है. जो अलग अलग फ्रेग्रेंस होते हैं उनको सूंघने में मदद करती है. अलग अलग फ्रेग्रेंस मतलब फ्रेग्रेंस मीन्स होता है कि सुगंध, बराबर, उन्हें सूंघने में हमें मदद करती है. स्मेल, स्मेल मीन्स सूंघना. फिर है नेक्स्ट, टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. देखो अभी ये बच्चा क्या कर रहा है, ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है? ये फ्रूट खा रहा है ना. तो अब हम जब फ्रूट खाते हैं या कुछ भी अन्य चीजें खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि मीठा है, कड़वा है कि खट्टा है? कैसे पता चलता है? जब वो हमारे मुंह में, हमारे जीभ पर, हमारे टंग पर जाता है तब. तो हमें फील होता है ना कि कैसा है, खट्टा लग रहा है या मीठा लग रहा है, ओके. तो वो हमें, वो जो फीलिंग्स जो हमें होती है वो किससे होती है? टंग से होती है. वो टेस्ट करने की जो फीलिंग हमें होती है वो किससे होती है? टंग से. तो क्या होगा यहाँ पे? जीभ हमें विभिन्न प्रकार के भोजन का स्वाद लेने में मदद करता है. काइंड्स ऑफ फूड यानी कि विभिन्न प्रकार के भोजन, डिफरेंट यानी अलग अलग,
टेस्ट यानी कि स्वाद, स्वाद लेने में, और स्वाद लेने का काम कौन करता है, तो टंग। ओके, नेक्स्ट इज स्किन हेल्प अस टू फील डिफरेंट काइंड्स ऑफ टच, हार्ड सॉफ्ट एंड टेम्परेचर हॉट कोल्ड। जो स्किन होती है, स्किन मीन्स क्या, हमारी त्वचा है ना, तो जो हमारी त्वचा होती है वो अलग अलग प्रकार के जो थिंग्स होते हैं उनको छूने पे हमें क्या महसूस होता है वो हमें हमारी स्किन से पता चलता है। हमें कब फील यानी महसूस होना, अलग अलग प्रकार की टच करने पे। जैसे कैसे, तो जैसे अगर हमने किसी, अभी लड़के ने ये बॉल ली है बराबर, तो अब ये बॉल अगर फुटबॉल है, जो गेंद जो पैर से खेलते हैं, तो वो कैसी होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। बट जो हमारी जो छोटे बच्चों के लिए जो हम बॉल लेके आते हैं, जो 10 रुपीज की या 20 रुपीज की आती है, वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो वो हमको कब फील होता है, जब हमारे हाथ में उसको हम टच करते हैं। ओके, तो वो जो फीलिंग्स आती है वो किससे होती है, वो स्किन से आती है। एंड टेम्परेचर, जैसे अभी हमें गर्मी है लग रही है या ठंडी लग रही है, तो वो कैसे फील होता है, जब हमारी बॉडी को वो टेम्परेचर टच होता है ना। जैसे कि अभी पंखा बंद कर देंगे हम, तो हमें तुरंत कैसा फील होता है, पूरी स्किन में से गर्मी लगने लग जाती है ना, पूरी त्वचा में से जैसे पसीने आने लग जाते, तो हमें क्या फील होता है कि हमें गर्मी लग रही है। ओके, हमें हॉट हॉट फील होता है ना। वैसे जब अगर ठंडी के दिन आते हैं तो हमें सर्दी लगने लगती है, कोल्ड फील होता है, तो ये कब होता है, हमारी स्किन से होता है। यानी हमारी स्किन को अगर जब टच होता है तो हमें ये महसूस होता है। ओके, नेक्स्ट है वी हैव टू आईज टू सी। देखो यहाँ पे क्या, किसकी पिक्चर है, ये टू आईज है ना, तो ये क्या है कि हमारे पास देखने के लिए दो आंखें है ना, हमारे पास देखने के लिए दो आंखें है। फिर वन नोज टू स्मेल, और स्मेल लेने के लिए यानी कि सुगंध लेने के लिए एक नाक है ना, हमारे पास एक वन नोज है कि नहीं, सब अपने नोज पर फिंगर रख के देखिए, वन नोज है ना, जो क्या करता है, स्मेल करता है सुगंध लेने के लिए। टू ईयर्स टू हियर, देखो ये जो दो कान होते हैं वो किसके लिए क्या काम करते हैं, सुनने के लिए। तो हमारे पास दो कान है सुनने के लिए, वन टंग टू टेस्ट, और एक जीभ है, जो जीभ है वो टेस्ट करने के लिए। ये देखो ये टंग दिख रही है अंदर, इसके माउथ के अंदर, तो ये क्या करती है, टेस्ट करने का काम। तो एक जो टंग है वो क्या करेगी, टेस्ट करेगी। तो हमारे पास में एक जीभ है स्वाद लेने के लिए, और स्किन ऑल ओवर द बॉडी टू फील द टच, और पूरे बॉडी में स्किन है जो हमें महसूस कराती है, टच करने पे हमें महसूस होता है कि सॉफ्ट है या हार्ड है या हॉट है या कोल्ड है। ये महसूस हमें किससे होता है, स्किन से होता है। ओके, नेक्स्ट, नाउ आई नो, अब मैं जानता हूं, ये लड़का क्या बोल रहा है, अब मैं जानता हूं। तो फर्स्ट, द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस टू सेंस द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड द सेंस ऑर्गन्स। हमारे शरीर के वे अंग जो हमें अपने आसपास के चीजों को महसूस करने में मदद करते हैं, उन्हें हम इंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, फिर है वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स, हमारे पास फाइव यानी कि पांच इंद्रियां हैं, फाइव सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास में। कौन कौन से, तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है, अवर फाइव सेंस ऑर्गन्स आर, हमारी पांच इंद्रियां कौन कौन सी है, देखो, आईज, आंख, नोज, नाक, टंग, जीभ, ईयर्स, कान एंड स्किन, और त्वचा। ओके, द आईज हेल्प अस टू सी, आंखें हमें देखने के लिए मदद करती है। द ईयर्स हेल्प अस टू हियर, कान हमें सुनने के लिए मदद करते हैं। द नोज हेल्प अस टू स्मेल, नाक हमें सुगंध लेने के लिए मदद करते हैं। द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, और जो जीभ होती है वो हमें स्वाद लेने के लिए मदद करती है। द स्किन हेल्प्स अस टू फील, और जो त्वचा होती है वो हमें महसूस करने के लिए मदद करती है। ओके, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। नाउ आई कैन टेल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए नंबर का, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे। ओके, फर्स्ट नंबर, विच सेंस ऑर्गेन हेल्प्स अस टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट कलर्स, कौन सा सेंस ऑर्गेन्स यानी कौन सी इंद्रिया हमें अलग अलग कलर को पहचानने में मदद करती है,
तो बताइए कौन सी ऐसी सेंस ऑर्गन्स है जो हमें कलर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है? ईयर, कान, स्किन, त्वचा, आईज, आंख, बताइए कौन सी है? ईयर करेगी क्या? कलर को कौन देख, कलर पहचानेंगे हम कैसे? कैसे कलर पहचानेंगे? जब हम आंख से देखेंगे तभी ना, तो वो हेल्प कौन करता है हमारा? आईज, यानी कि आपको आईज के बॉक्स में राइट टिक करना है, वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, टर्न द पेज। सेकंड नंबर, व्हिच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस टू गेट अ साइट व्हेन अ व्हीकल गिव्स हॉर्न? जब कोई व्हीकल हॉर्न बजाता है, है ना, जब कोई व्हीकल हॉर्न बजाता है, जब हम बाहर जाते हैं जो वो हॉर्न बजाता है, तो कौन सी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है जो हमें ऐसे साइड में होने के लिए, साइड पाने के लिए हमें मदद करती है? हमें कैसे पता चलता है कि हमें साइड में होना है? वो जब हॉर्न बजता है तो हम कैसे दिमाग में हमारे आता है कि हमें पीछे से गाड़ी आ रही है और हमें साइड में होना है? तो किससे पता चलता है वो? आई से, ईयर्स या नोज? हॉर्न बजता है तो, हॉर्न बजेगा तो हमें क्या होगा, कान में सुनाई देगा ना, तो कौन हेल्प करता है? हमारी ईयर्स, है ना। कान में जब हमें हॉर्न सुनाई देगी तो हम क्या होते हैं, साइड में हो जाते हैं, है ना। ओके, वी सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू डिफरेंटेट द टच ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स। कौन सी सेंस ऑर्गन्स हमें महसूस कराती है कि ये हार्ड है या सॉफ्ट मटेरियल है? ऐसा हमें कब फील होता है, कैसे पता चलता है? तो कैसे पता चलेगा, किससे पता चलेगा कि वो मटेरियल हार्ड है या फील है, मतलब सॉफ्ट है? तो स्किन से, ईयर से या आईज से? कैसे पता चलेगा? जब हम उस चीज को टच करेंगे तब पता चलेगा ना कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। और टच करने पे कहां पे टच होता है? हमारी स्किन पर टच होता है, हमारी त्वचा पर, तब हमें पता चलता है कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा? राइट ऑप्शन स्किन। ओके, तो हम स्किन के बॉक्स में राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट है बी नंबर, टिक द करेक्ट वर्ड। आपको अब टिक करना है करेक्ट वर्ड पे। ओके, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें दो ऑप्शन साइड साइड में दिए हुए, टू ऑप्शन, और जो ऑप्शन राइट होगा उसके उस पर आपको टिक करना है। फर्स्ट नंबर है, वी कैन स्मेल ऑब्लिक सी विथ अवर आईज। अब आईज से हम क्या करते हैं, सोचिए, तो स्मेल करेंगे या सी, सूंघेंगे या देखेंगे? देखेंगे ना, सी करेंगे, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो सी पर आपको इस तरह से टिक करनी है। सेकेंड नंबर है, वी हैव वन टू नोज। हमारे पास में कितनी नोज है, नोज कितनी है हमारी, वन है या टू है? सबके पास में वन नोज ही होती है ना, तो वन है। ओके, तो वन पे टिक करेंगे। थर्ड नंबर, वी कैन फील टेस्ट विथ अवर स्किन। हमें महसूस होता है, किससे महसूस होगा बताइए? तो हमें स्किन से ना, स्किन क्या करता है, हमें फील करवाता है ना, या टेस्ट करवाता है, महसूस करवाता है या स्वाद लेता है? तो महसूस करवाता है, तो फील होता है, तो फील पे टिक राइट टिक करेंगे। फिर है फोर नंबर, वी यूज नोज टंग टू टेस्ट द फूड। हम लोग जो फूड को टेस्ट करते हैं वो किससे करते हैं, नोज से करते हैं या टंग से, नाक से या जीभ से? जीभ से ना हमको टेस्ट करना होता है, तो किससे टेस्ट करते हैं हम? जीभ से, हमारे माउथ में जो जीभ है, टंग है, उससे। तो हम टंग पे राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर लिखने हैं। ओके, फर्स्ट नंबर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स सेंस ऑर्गन्स। इंद्रिया शब्द से आप क्या समझते हो, ये जो सेंस ऑर्गन्स है उससे आप क्या समझते हो, आपको क्या समझ में आता है? ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस टू सेंस द थिंग्स अराउंड अस। जो ये ऑर्गन्स होते हैं, हमारी जो ऑर्गन्स है वो हमें आसपास की चीजों को, मतलब महसूस करने में, उनको समझने में हमारी हेल्प करती है। ओके, हमारी बॉडी का जो ऑर्गन्स है, फाइव सेंस ऑर्गन्स है, वो हमारी आसपास की जो चीजें है, है ना, उन्हें समझने के लिए हमें मदद करती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव नेम देम। हाउ मैनी मतलब कि कितने। ओके, हमारे पास कितनी ऑर्गन्स है, यानी कितनी इंद्रियां हैं, उनके नाम। तो हमारे पास में कितनी इंद्रियां हैं, फाइव। वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स
आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। हमारे पास में पांच इंद्रियां हैं, फाइव सेंस ऑर्गेन्स हैं, उनके नाम हैं आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री नंबर, विच सेंस ऑर्गेन इज स्प्रेड ऑल ओवर आवर बॉडी, व्हाट इज इट्स फंक्शन। हमारी पूरी बॉडी में कौन सी इंद्रियां फैली हुई है और उनका कार्य क्या है? तो हमारी पूरी बॉडी में कौन सी इंद्रियां फैली है, कौन सी है जो सेंस ऑर्गेन्स हमारी पूरी बॉडी में है? तो स्किन, कौन सी है? स्किन। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्किन सेंस ऑर्गेन इज स्प्रेड ऑल अवर बॉडी, इट्स फंक्शन इज, उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है हेल्प अस टू फील, महसूस करना है, हमें मदद करता है वो फील करने में, महसूस करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग, मतलब जीभ का क्या कार्य है, जीभ क्या कार्य करती है? तो टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, जीभ हमें अलग अलग भोजन का स्वाद लेने में हमें मदद करती है, अलग अलग जो फूड होते हैं उनका टेस्ट लेने में, स्वाद लेने में हमारी हेल्प करती है। ओके, दिस चैप्टर इज कम्प्लीट, ये चैप्टर हमारा कम्प्लीट हो गया है, अब आपको ये होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट, वंदे मातरम, थैंक यू।